बाहरी दिल्ली के नरेला श्री रामकोटी मंदिर बवाना रोड नरेला में पहली बार श्री गोधाम महातीर्थ पथ मेला लोक पुण्यार्थ न्यास के संस्थापक परम श्रद्धा गौर श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री गो कृपा कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रतिदिन कथा उपरांत गाय माता के दूध से निर्मित प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर घर घर गाय माता की जय का अलख जगाने के लिए श्री गो कृपा कथा का निमंत्रण दे रहे हैं। गो माता के पुत्र इस अवसर पर वेद लक्ष्मण गौ सेवा समिति नरेला के सेवक बहन भाइयों ने कथा का रसपान किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैनेजर रोशन योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला श्री रामकोटी के अंदर। और यहाँ पर 29 जनवरी 2024 से और 4 फरवरी 2024 तक गो माता की कथा की जा रही है, और जिसको नरेला के अंदर पहली बार पथमेड़ा गौशाला की तरफ से और वेद लक्षण जो गौशाला है उसकी तरफ से, जो नरेला समिति है उसकी तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। और नरेला के क्षेत्र के अंदर बहुत ही बड़ा ये आयोजन है और इसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सभी छोटे बड़े सभी जो है इस कार्य में इस जो भक्ति भाव की जो गंगा है इसमें आकर डुबकी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ में बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह की कथाएं जो है अपने क्षेत्र के अंदर होती है, क्योंकि गौ माता की कथा आज से पहले कभी जो है शायद इस क्षेत्र के अंदर किसी ने नहीं सुनी होगी और ना ही किसी ने कही होगी। और आज ये जो समूह की आशा जो कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और आज हम टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर सेवा में लगी हुई है और पूरी टीम ने आज यहाँ पर प्रोग्राम को भी अटेंड किया और उसके साथ साथ भोजन में भी हमारी जो टीम ने पूरा सहयोग किया। और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर की जो टीम है, सोनिया जी हैं, संगीता जी हैं और भी बाकी सब लोग हैं, वो सब लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और आप भी आप सभी आइए, अभी 4 तारीख तक का जो कार्यक्रम है आप इसका भरपूर आनंद उठाइए, क्योंकि और कल का मैं आपको बता दूँ, कल का एक बहुत ही अच्छा एक बताया महाराज जी ने कि जिन बच्चों के और बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं उन बच्चों और बच्चों को कल का कार्यक्रम देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके पीछे क्या अड़चने आ सकती हैं और उनको हम किस तरह से उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, किस तरह से गौ माता की सेवा करते हुए बाधाएँ दूर हो सकती हैं। तो आप आइए और इस जो है कथा का स्मरण जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। जय गौ माता की। जय गौ माता। जय गोपाल। मैं आलोक सिंगल, केंद्रीय सचिव श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा जी। आज ये कार्यक्रम क्या कुछ चल रहा है और कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? 29 तारीख से प्रारंभ हुई है। श्री गो कृपा कथा है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, जहाँ जहाँ गौमाता के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में जो जो कठिनाइयाँ हैं, जो जो समस्याएँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका समस्त का समाधान हमारे उन ग्रंथों में लिखा हुआ है। उन्हीं ग्रंथों के उन सभी संदर्भों को लेते हुए परम सत्य गौरेशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संचालित लोक प्रसिद्ध गौसेवा संस्थान श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की दिल्ली इकाई द्वारा दरेला में विदलक्षणा गौ समिति के माध्यम से श्री गौ कृपा कथा का आयोजन किया गया है। इसमें व्यासपीठ से हमारे गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ग्वाल संत श्री गोपालानंद जी सरस्वती जी महाराज अपनी शास्त्रोक्त वाणी से सभी लोगों के जीवन में गौमहिमा को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का महनीय कार्य कर रहे हैं। 4 तारीख तक एक कथा का क्रम रहेगा और उसके बाद में तो कितने को हवन का कार्यक्रम, कितने लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं, क्या लगता है रुचि आ रही है लोगों के अंदर, कुछ जानने की जिज्ञासा है लोगों के अंदर? देखिए, कथाएं तो क्षेत्र में सैकड़ों होती है, श्रीमद् भागवत कथा भी होती है, राम कथा भी होती है और भी कई कथाएं होती है। श्री गौ कृपा कथा अपने आप में अद्भुत और पहली बार इस क्षेत्र में कथा होती है। इस कथा में केवल और केवल गौ माता की महिमा है और किसी एक ग्रंथ के आधार पर नहीं है, विभिन्न ग्रंथों में जहाँ जहाँ गौ माता की कृपा का उल्लेख है वो मानव जीवन को उन्नत करने में, आगे ले जाने में, उसके हृदय में आध्यात्मिकता, ओज, तेज और जीवन में सभी कुछ अनुकूलताएं करने के लिए गौ माता की भूमिका का जो भाव है वो इस कथा के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चे भी इसमें जो आगे दिलचस्पी ले रहे हैं, कुछ है बच्चों का जैसे मैं आपको मन लग रहा है चीज़ में? मैं आपको बताऊं, बच्चों की सगाई संबंध से लेकर के गर्भधारण से लेकर के गर्भधारण के बाद में बच्चे होने के बाद में उन बच्चों के प्रारंभिक अवस्थाओं को लेकर के, फिर विद्यार्थी काल को लेकर के,
किशोरावस्था को, युवावस्था को, गृहस्थ आश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को, संन्यास आश्रम को, इन सभी प्रसंगों में, जीवन के सभी प्रसंगों में, सभी कालखंडों में किस किस प्रकार गौमाता का आश्रय लेकर के हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, ये सारी जानकारी इस कथा के माध्यम से प्राप्त होती है। आज का जो सत्र था उसमें विद्यार्जन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी याददाश्त कैसे बढ़े, उनकी पढ़ने में रुचि कैसे बने और वो पढ़ लिख कर के सच्चे देशभक्त, गौभक्त और राष्ट्रभक्त और मातृ पितृभक्त कैसे बने, वो सूत्र आज की कथा में शास्त्रोक्त आधार पर गौमाता के माध्यम से बच्चों को समझाए। आज हम राम मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे सभी महिलाएं भोजन की व्यवस्था देख रही हैं। राम मंदिर में पहली बार नरेला में गौ कथा हो रही है और आज देखो कथा के बाद यहाँ कन्या गुरुकुल के बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पे केवल माताएं और बहनें ही हमारी सारी व्यवस्था देख रही है और बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रही है। सुनीता गोयल नरेला से। अभी हम कौन सी जगह मौजूद हैं? हम रामकुटी मंदिर में हैं और यहाँ बहुत अच्छी गो कथा चल रही है, सब उसका बहुत आनंद उठा रहे हैं, सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग भाग आ रहे हैं, आगे और भी भक्त आएँ, अपनी गो कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें, सब आए। और क्या आप क्या क्या सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ के, हम लोग लेडीज़ मेंबर बनी हुई हैं, हमारी जो यहाँ की देख रेख है वो करनी है, हम लोगों को खाने के प्रसाद के काउंटर पे खड़ा होना है कि कोई वेस्ट ना करें, ख़राब ना जाए और अच्छे, मतलब सब अपना पेट भर के खाएं, अच्छी तरह झूठा ना छोड़े, हमारा यही उद्देश्य है यहाँ खड़ा होने के लिए। क्या नाम आपका? रेनू। रेनू, कैसा लग रहा है आपको जो है आपके नरला इंदर पहली बार को कथा हो रही है, कैसा लग रहा है? जी मैडम परिचय दीजिए। जो कथा सुनने को मिल रही है उनके बारे में जो अच्छी अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को, क्षेत्रवासियों को देखिए कथा के माध्यम से, और इस तरह के कार्य हमारे क्षेत्र में। आर्ष कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली से। तो क्या कुछ सीखा आज आपने यहाँ पे? गौ माता के बारे में सुना, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के, और प्यारे प्यारे भजन सुने हमने जिससे मन प्रसन्न हुआ, और हमें आगे भी ऐसे ही सुनने को मिले ताकि हम आगे भी आए।